जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीम प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग PMSSB स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बूस्टर डोज के अंतर्गत सोशल साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसका पार्ट टू है, इससे पहले पार्ट वन कंप्लीट हो गया है सोशल साइंस का। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। और आज जो है आपका MCQ क्वेश्चन होने वाला है, जल्दी से आप लोग ज्वाइन होइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे रोज़ की तरह से। चलिए जल्दी से आप लोग शेयर करिए, उसके बाद जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और एक बार बताएंगे आप लोग कैसे हैं। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर एक देते हैं और आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक पूछा क्या गया है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर क्या है। सूचना का अधिकार किस प्रकार अधिकार है, बताएंगे सूचना का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है, वैधानिक है या गैर कानूनी है या एक दिया गया है इसमें धार्मिक है या एक परंपरागत है, तो कैसा है आप लोग को यही बताना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसा, जल्दी से बताइए आप लोग, अगर आप लोग को पता तो बताएंगे। तो कैसा सभी विद्यार्थियों को पता ही है वैधानिक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछ ले राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि हम लोग इसे RTI कहते हैं, RTI की स्थापना कब हुई, स्थापना अगर आपसे पूछ लेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। अगर आपसे पूछ ले RTI की स्थापना कब हुई तो आप लोग क्या बताएंगे, 2005 में जो है 2005 में RTI की स्थापना हुई। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा की गई, तो भारत सरकार द्वारा जो है RTI की स्थापना की गई। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर दो में क्या पूछा गया और आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर दो का सही आंसर क्या है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, संख्या पूछा गया है ग्रैंड ट्रंक रोड का, बताएंगे एक है या दो है या तीन है या चार है, क्या है अगर आप लोग को बता तो बताएंगे, जल्दी से बताइए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से होना चाहिए, आप लोग कोशिश करिए कि मेरे बताने से पहले आप लोग आंसर बताइए, ऐसा करेंगे तो आप लोग को जो है ज़्यादा फायदा होगा और सभी क्वेश्चन याद होते हुए चलेंगे। और बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से होगा, यहाँ पर जितने विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं दो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है राजमार्ग कितना है, तो राजमार्ग इसका दो है, यानी कि यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हैं दो, इसका आंसर बी है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेगा क्या पूछ ले, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, बताएंगे आप लोग वर्तमान समय में भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे NH44 बताएंगे, क्या है NH44, इसको आप लोग याद करेंगे सबसे लंबा है। अगर आपसे पूछ ले इसका पुराना नाम क्या है, NH44 का जो है पुराना नाम क्या है, पुराना नाम अगर आपसे पूछ लेता तो आप लोग क्या बताते, पुराना नाम बताते NH7 था, इसका जो है पुराना नाम NH7 था, इसका जो है नया नाम क्या है NH44, जो कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, तो उसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर, बताएंगे क्वेश्चन नंबर दो में थ्री में देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कौन सा, जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर चीन दिया गया है, अमेरिका दिया गया है, एक भारत दिया गया है, फ्रांस दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे। लार्जेस्ट डोमेस्टिक कंट्री कौन सा है इसमें से, तो भारत आप लोग को पता ही भारत है बिल्कुल, यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर जितने विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर चार है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, बताएंगे कौन सा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है पूछा गया। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, और एक दिया गया है बहुसंख्यक का शासन, उसके बाद दिया गया है व्यक्ति की गरिमा, बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बताएंगे जल्दी से। डोमेस्टिक जो है और दिया गया यहाँ पर सिस्टम के लिए जो है अनुरूप नहीं है ये पूछा गया है, तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है।
देखिए अगर हम लोग यहाँ पर संस्कृत की बात करेंगे तो क्या होगा, बहुसंख्यकों का शासन बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन 5 का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं, बताएंगे जो है कौन सा जो है उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र दिया गया है, सीमेंट दिया गया है, चीनी दिया गया है, जो है जूट वस्त्र दिया गया है। तो पूछा क्या गया है कौन सा ऐसा उद्योग है जो क्या है कृषि पर आधारित नहीं है, तो बताएंगे कौन सा उद्योग है। तो जल्दी से बताइए अगर आप लोग को पता तो बताएंगे। देखिए यहाँ पर सूती वस्त्र जो है कृषि पर आधारित है या नहीं, तो बिल्कुल आधारित है। यहाँ पर बात करें चीनी, चीनी बिल्कुल आधारित है क्योंकि जो है चीनी जो है गन्ना से बनता था। गन्ना कहाँ पर होता है, प्राथमिक क्षेत्र में होता है, यानी कि किसान उसे उत्पादन करते हैं, यानी कि ये जो है चीनी जो हमारा कृषि क्षेत्र से है। जूट वस्त्र भी जो है कृषि से है। बात की जाए सीमेंट जो है, ये सीमेंट जो है कृषि पर आधारित बिल्कुल नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है सही होगा तो क्या होगा सीमेंट, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है और आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श, बताएंगे जो कौन सी मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए आदर्श, यानी कि कपास उसमें सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर दिया गया है रेगुर मिट्टी मृदा दिया गया है, उसको जो है लेटराइट दिया गया है, रेगिस्तानी पहाड़ी दिया गया है उसके बाद जो है, और एक दिया गया है पहाड़ी मिट्टी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए अगर आप लोग को पता तो बताएंगे। कपास उगाने के लिए तो रेगुर मिट्टी बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। रेगुर मृदा का दूसरा नाम है क्या, तो काली मृदा है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे काली मृदा। जितने विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं रेगुर मृदा उनका बिल्कुल सही आंसर है। बात की जाए लेटराइट मिट्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है क्या पाया जाता है, इसमें जो है आयरन और सिल्का की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। आयरन किसकी मात्रा होती है, तो आयरन और जो है सिल्का इसकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है किसमें, तो लेटराइट मिट्टी में, तो इसको भी आप लोग जो है याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है। लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है क्योंकि, लाल मिट्टी को ही अगर उसका रंग लाल क्यों होता है ये पूछा गया है, बताएंगे आप लोग यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अगर कोई रेड सॉइल है उसका कलर जो है रेड क्यों है यही पूछा गया, बताएंगे यहाँ पर दिया गया है, एक दिया गया है इनमें से इनमें जो है उमास प्रचुर मात्रा में होती है, यह ज्वलनमुखी जो है क्या है उत्पत्ति से प्राप्त होता है, इसमें पोटास प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें लोह जो है यौगिक भरपूर होता है, बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो क्या होता है इसमें जो है लोह यौगिकों से भरपूर होता है, यानी कि जो है लाल मिट्टी होता है लोह यौगिकों से जो है भरपूर होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। जितने विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करेंगे और लाइक कर दिए। जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को ना शेयर करें हैं ना लाइक करें हैं वो क्या करेंगे, एक बार क्लास को शेयर करेंगे और जल्दी से लाइक करेंगे, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए, उसके बाद जो है हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है, बताएंगे जो है कौन सा जो है स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर निकोबार कबूतर दिया गया है, उसके बाद एशियाई भैंस दिया गया है, उसके बाद जो है हार्नोबिल दिया गया है, काला हिरण दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताएंगे अगर आप लोग को पता है तो। यहाँ पर सभी विद्यार्थी बता रहे हैं क्या बता रहे हैं, निकोबार कबूतर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आपने ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक नाम है स्थानिक प्रजाति, ये स्थानिक प्रजाति क्या होते हैं तो इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। स्थानिक प्रजाति ऐसे होते हैं जो भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, भौगोलिक सीमाओं से अलग जो है विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें आप लोग क्या कहेंगे, उन्हें आप लोग स्थानिक जाति कहेंगे, स्थानिक प्रजाति कहेंगे। इसके बाद उदाहरण की बात करिए यहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ आती हैं स्थानिक जातियाँ में प्रजातियों में, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक तो जो है निकोबार कबूतर एक है, दूसरा आप लोग देख लीजिए
अंडमानी टील, क्या है अंडमानी टील जो है, ये जो है क्या है स्थानिक प्रजाति है। उसके बाद एक और लिख लीजिए आप लोग, अंडमानी जंगली सुअर, अंडमानी जंगली सुअर। ये तीनों जो है किसके उदाहरण है, तो स्थानिक प्रजाति के उदाहरण है, इसको आप लोग याद करेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है। क्या पूछा गया इसमें, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता था, जो है बेल्जियम जो है सामुदायिक सरकार का जो है चुनाव कौन करता है, ये पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग को पता तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 9 का सही आंसर क्या है, अगर आप लोग को पता तो बताएंगे जल्दी से इसका कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा। बताइए जल्दी से यहाँ पर कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। केवल एक भाषा समुदाय को संबंधित लोगों को अलग करता है, यानी कि जो है यहाँ पर क्या होगा, केवल एक भाषा समुदाय से संबंधित लोग, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जितने विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं, बताएंगे इसमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है, कानून और व्यवस्था, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्रीय रक्षा, उसके बाद जो है एक दिया गया शिक्षा, एक दिया गया है कृषि, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। तो कौन सा विषय जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है, बताएंगे कौन सा विषय जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रीय रक्षा जो है किसमें नहीं शामिल है, राज्य सूची में बिल्कुल नहीं शामिल है, यानी कि जो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। जितने विद्यार्थी जो है ऑप्शन यहाँ पर बी बता रहे हैं राष्ट्रीय रक्षा, उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए एक राज्य सूची होता है, एक संघ सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है, इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर एक राज्य सूची मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राज्य सूची, दूसरा क्या है दूसरा संघ सूची होता है संघ सूची, तीसरा क्या है तो तीसरा मैं आप लोग देखेंगे तीसरा जो है एक समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची। तो इसमें क्या देखिए राज्य सूची में जो है इसमें कानून कौन बनाता है, अगर आपसे डायरेक्ट यही पूछ ले राज्य सूची में कानून यानी कि नियम कौन बनाता है, तो आप लोग बताएंगे राज्य सरकार बनाता है। और संघ सूची में अगर आपसे पूछ लेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, संघ सूची में कानून या नियम कौन बनाता है, तो आप लोग बताएंगे केंद्र सरकार बनाता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है यानी कि नियम कौन बनाता है, तो आप लोग बताएंगे केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं, लेकिन प्रभावी कौन रहेगा, तो केंद्र सरकार वाला नियम जो है बिल्कुल प्रभावी रहेगा। तो यानी कि आप लोग इतना याद कर लिए होंगे। अगर आपसे पूछ लेगा संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, संघ सूची में जो है कृषि, सिंचाई, व्यापार, पुलिस, वाणिज्य, ये जो है इसमें शामिल है, तो आप लोग बताएंगे संघ सूची में आते हैं। कृषि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो है सिंचाई आ जाएगा, सिंचाई तो कृषि से रिलेटेड है, यानी कि व्यापार भी आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग कृषि अगर आप लोग कर रहे हैं तो यानी कि सिंचाई भी करेंगे, सिंचाई करेंगे तो आलू यानी कि सिंचाई करेंगे उसमें जो फसल पैदा होगी उसका आप लोग बेचेंगे, यानी कि व्यापार भी करेंगे, यहाँ से आप लोग को याद हो गया। और व्यापार करेंगे, व्यापार में कोई घाटा हो गया तो हम जो है पुलिस आकर क्या करेगा, पुलिस आकर जो है आपके घाटे का पता लगाएगा कैसे घाटा गया, यानी कि यहाँ पर जो है तीनों आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। वाणिज्य याद कर लीजिए, वाणिज्य जो है इसमें आएगा राज्य सरकार में आएगा, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी देखेंगे संघ सूची में कौन कौन सा विषय है, तो संघ सूची में आप लोग देखेंगे तो संघ सूची वाला भी आप लोग याद के लिए, प्रतिरक्षा जैसे केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार जो है रक्षा का जिम्मेवार कौन लिया है, केंद्र सरकार लिया है, केंद्र हो जाएगा यहाँ पर। और विदेशी मामले, विदेशी मामले कौन देखता है, तो आप लोग बताएंगे जो है केंद्र सरकार ही देखता है। उसके बाद देखेंगे और जो है बैंकिंग जैसे हुआ है, बैंकिंग हुआ है, बैंकिंग किसका है, तो जो है केंद्र सरकार का बैंक भी है वहाँ पर। और जैसे मुद्रा और संचार ये सब जो है किस में आएंगे, संघ सूची में आएंगे। बात करें समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आएंगे, उसको आप लोग सुन लीजिए। समवर्ती सूची में जो है इसमें शिक्षा, शिक्षा जो है केंद्र सरकार का भी होता है, राज्य सरकार दोनों का होता है, इसलिए जो है समवर्ती सूची में आएगा। ऐसे आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग देखते हैं स्कॉलरशिप आता है तो कुछ अमाउंट जो है आपके राज्य सरकार देता है, कुछ अमाउंट जो है केंद्र सरकार देता है, यानी कि यहाँ पर जो है शिक्षा जो हुआ, शिक्षा क्या है समवर्ती सूची का विषय है। वैसे ही बात करेंगे हम लोग
वन यानी कि पेड़, जंगल वंगल हो गए, ये सब जो है संवर्धित सूची में आएंगे। उसके बाद मजदूर है, मजदूर भी, मजदूर संघ, जितने मजदूर संघ हैं ये सब किस में आएंगे, ये सभी जो है समवर्ती सूची में आएंगे, इसको भी आप लोग याद करेंगे। ऐसे ही आप लोग जो है एक विवाह होता है, विवाह, विवाह में जो है, विवाह जो है कैसा विषय है, तो ये भी बताएंगे आप लोग, जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ तक आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि जो है यहाँ से ऐसे प्रश्न बने हुए हैं, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो जो नहीं रहेगा वही आप लोग टिक लगा दीजिए, यानी कि इसके एग्जाम्पल और जो है नियम और कानून को मनाता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, मैंने यहाँ पर बताया अभी है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या नाम कर दिया गया, बताएंगे जो क्या नाम कर दिया गया है कोलकाता के जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल करके, जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, मेनबक्कम दिया गया है, उसके बाद जो है राजीव गांधी दिया गया है, उसके बाद दिया गया है एक नेता सुभाष चंद्र बोस, बताएंगे कौन सा आंसर सही जगह इसका। अगर आप लोग को पता था तो बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही जगह, तो बिल्कुल यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि जो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर जो ऑप्शन डी, जितने विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है क्या है, तो नेता सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट के साथ पहला गहरा भूमि से घिरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, कौन सा है, बताएंगे चेन्नई है या पारादीप है, उसके बाद देखा है तुतीकोरिन दिया गया है, उसके बाद विशाखापट्टनम दिया गया, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, जल्दी से आप बताएंगे, अगर आप लोग को पता बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन 12 का जो है विशाखापट्टनम बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगले का क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। आप लोग क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन को याद कर लेंगे, ये सब क्वेश्चन जो है लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि आपके जो है बोर्ड एग्जाम हो चाहे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है सोशल साइंस यानी कि एनसीईआरटी से पूछा गया, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग क्या करेंगे याद कर लेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, और देखिए इसको बताइए कौन सा आंसर सही है इसका। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, आप लोग देख पा रहे हैं आप क्या पूछा गया इसमें, स्थानीय स्व सरकारी संस्थाओं में सभी पदों के में से जो है कम से कम एक तिहाई पद इनके लिए आरक्षित हैं, किनके लिए जो है आरक्षित है ये पूछा गया है, स्थानीय हो या स्व सरकारी संस्थानों में सभी पदों में से कम एक तिहाई पद किनके लिए आरक्षित होता है यही पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, किसके लिए है, अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग को पता ही होगा महिलाओं के लिए, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है, बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही है, क्या पूछा गया इसमें, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी, बताएंगे जो भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1952, 1950, 1947, 1949, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर सही है इसका। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर साइंस की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो साइंस है 1950 बिल्कुल सही आंसर है, जो विद्यार्थी यहाँ पर 1950 बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछ लेगा भारत आजाद कब हुआ, तो आप लोग क्या बताएंगे, सभी विद्यार्थी बताएंगे हमारा देश जो है भारत आजाद कब हुआ, अगर आपसे ये पूछ ले तो आप लोग क्या बताएंगे, तो बताएंगे आप लोग क्या बताएंगे, जैसे बताइए आप लोग, तो 15 अगस्त 1947, लगभग सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आजाद हुआ है, इसको तो आप लोग याद करेंगे। अगर आपसे पूछ ले संविधान कब लागू हुआ, ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, संविधान लागू कब हुआ, अगर आपसे पूछेगा भारत में जो है संविधान लागू कब हुआ, तो आप लोग क्या बताएंगे, संविधान लागू, चलिए बताइए आप लोग संविधान लागू कब हुआ, अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, 26 जनवरी 1950 को जो है
हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, दोनों क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन 15, चट्टाने और धातुओं इसके उदाहरण है, किसके उदाहरण है पूछा गया है। चट्टाने और जो है धातुएं जो है किसके उदाहरण है, जैविक संसाधन के हैं या अजैविक संसाधन के हैं या जो है प्राकृतिक संसाधन के हैं या उपरोक्त सभी दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही आंसर क्या है। चट्टाने और धातुएं उदाहरण किसके हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, अजैविक संसाधन के उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, अजैविक संसाधन के उदाहरण है। अगर आपसे पूछेगा ये देखिए जैविक संसाधन का उदाहरण जो है आप लोग याद करेंगे, एक जो है अजैविक संसाधन का उदाहरण आप लोग याद करेंगे, जैसे चट्टाने और धातुएं क्या है, अजैविक संसाधन के उदाहरण है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले जैविक संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक जैविक संसाधन का उदाहरण है, मनुष्य हो गया, इसको आप लोग याद करेंगे मनुष्य है। उसके बाद जो है क्या है, वनस्पति जगत यानी कि पेड़ पौधे, वनस्पति जगत ये किसके उदाहरण है, तो आप लोग बताएंगे जो है जैविक संसाधन के उदाहरण है। और मत्स्य हो गया यानी कि मछली हो गया मत्स्य, तो इसको भी आप लोग याद करेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सही आंसर क्या है। इसमें देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी जापानी पुस्तक है, कौन सी जो है सबसे पुरानी जापानी पुस्तक है, यही पूछा गया है। सूत्र पितिक दिया गया है, उसको डायमंड सूत्र दिया गया है, महावंश दिया गया है, दीप वंश दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इसका। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सही से की बात करेंगे तो क्या होगा सही आंसर, डायमंड सूत्र, बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर डायमंड सूत्र बताने हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जितने विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही आंसर क्या है। देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ, बताएंगे शुरू हुआ, बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1930 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग कब पता होगा तो आप लोग जो है किस देश का आसानी से बता सकते हैं, इसीलिए जो है आप लोग क्या करेंगे यहाँ से दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया है, तो इसको आप यहाँ से दो क्वेश्चन एक साथ क्लियर भी कर सकते हैं। तो बताएंगे खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, बताएंगे जल्दी से खिलाफत जो आंदोलन हुआ कब शुरू हुआ, तो आप लोग बताएंगे 1930 ईस्वी में जो है शुरू हुआ, तो यानी कि यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, बिल्कुल सही होना चाहिए 1930 ईस्वी में तुर्की में, तो उसको आप लोग याद करेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप लोग क्या बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन, इसको भी आप लोग याद करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप लोग क्या बताएंगे इसको भी आप लोग याद करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ रहे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप लोग क्या बताएंगे 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो इसको जो है आप लोग याद करेंगे। ऐसे ही एक क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन जो है कब आया भारत में, तो आप लोग बताएंगे कब आया, तो आप लोग बताएंगे 1942 में, इसको भी 1942 में आया, यानी कि आप लोग इन दोनों को याद कर लेंगे। आशा है प्यारे बच्चे तो आज का क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे कि 17 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही गया, इसको सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।